सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अक्सर हम रात को सोने से पहले कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारे बढ़ते वजन के लिए जिम्मेदार होती है। आज हम आपको सोने से पहले की कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें अवॉइड करके वेट को कंट्रोल में रखा जा सकता है। डिनर न करना, इससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। सुबह भूख ज्यादा लगती है और आप ज्यादा खाते हैं। क्या करें अगर रात में ज्यादा भूख न हो, तो सलाद फ्रूट या दही खाएं। डिनर में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खाना, पिज्जा पास्ता जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड में कैलोरी ज्यादा होती है। रात में खाने से फैट बढ़ता है। क्या करें रात में प्रोटीन वाले फूड वेजिटेबल्स और फ्रूट ज्यादा खाएं। डिनर में ओवरईटिंग, रात में डाइजेशन स्लो हो जाता है, इससे कैलोरी बर्न नहीं होती और बॉडी में फैट जमा होने लगता है। क्या करें टीवी देखते हुए डिनर न करें, प्रोटीन और वेजिटेबल्स ज्यादा लें, खाते ही सो जाना, इससे बॉडी को कैलोरी बर्न करने और डाइजेशन के लिए समय नहीं मिल पाता। क्या करें सोने से 3 से 4 घंटे पहले डिनर करें, डिनर के बाद थोड़ी देर वॉक जरूर करें। कॉफी या अल्कोहल लेना, इससे नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, एम्प्टी कैलोरीज से वजन बढ़ सकता है। क्या करें एक कप ग्रीन टी पिएं, शक्कर कम लें या न लें, आइसक्रीम या ज्यादा मीठा खाना, मीठे में कॉफी ज्यादा कैलोरीज होती है, इससे बॉडी में फैट डिपॉजिट बढ़ता है। क्या करें मीठा कम खाएं, डेजर्ट में फ्रूट सलाद खाएं। देर रात तक जागना, नींद पूरी न होने से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, फैट बर्न नहीं होता, भूख ज्यादा लगती है। क्या करें रोज 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, सोने का समय फिक्स करें। डिनर में ज्यादा फ्राइड फूड खाना, इनमें बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, रात में बॉडी इन्हें बर्न नहीं कर पाती। क्या करें बेक या ग्रिल फूड खाएं, डिनर के बाद भी स्नैक्स खाना, इससे ओवरईटिंग हो जाती है, स्नैक्स में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, जो वजन बढ़ाती हैं। क्या करें डिनर के बाद कुछ भी खाने की आदत बदलें, सौंफ या लौंग इलायची चबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।